समाज आने वाले चुनाव में भी 2022 में विकास अपनी जगह, मोदी जी का नेतृत्व है भाई, कैमरा से लगा कर खुम अपनी दिल की बात ही नहीं कह पाता। दोनों लोग ऐसे ना जाति ना धर्म, किसी को नहीं पता मोदी जी की जाति क्या है। योगी जी संत है, सबको जोड़ने का काम प्यार से ऐसे चलता रहे और 2022 में आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और भारतीय जनता पार्टी का परचम ऐसे लहराता रहे, यही उम्मीद थी। एक बार फिर सारे आयोजक को, रिंदर भाई को, सब आयोजक को बहुत बहुत अभिनंदन, और जो तुमने खर्द उतारा रास्ते में उसके लिए युवाओं को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नाम जो हिंदुत्व की एक पहचान रहा है, राजा बहुत रहे हैं लेकिन जिन्होंने लड़े हैं अपने धर्म के लिए उनका नाम हमेशा अमर रहता है। वो अमर हो जाते हैं, कभी नहीं मरते। माता हिलेबाई उनमें से एक है जिनका नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। मैं तो सच पूछू, योगी जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएंगे और देश में, पूरे प्रदेश में हिंदुत्व का परचम आगे बढ़ाएंगे। भारत माता की, आवाज नहीं आई, दोनों हाथ ऊपर करके, भारत माता की, लोक माता अहिल्या बाई होलकर की अमर। ये सरकार को अलग प्रकार का एजेंडा लेकर के, जिधर अहिल्या बाई होलकर की चर्चा हो रही थी, माता अहिल्या बाई होलकर ने अंग्रेजी शासन के अंदर उस समय उनसे लोहा लेकर के लड़ने का काम किया, शासन काम किया, शिक्षा के लिए स्कूल खोले, क्या बनवाए, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का काम किया और लगातार हिंदुत्व की लड़ाई अहिल्या बाई होलकर लड़ती रही कि हम सबके लिए गर्व मिला। और आपके लिए प्रसन्नता की बात, शिका ने चर्चा की कि वहां पर उनकी मूर्ति लग रही है, उससे भी बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में, मोदी जी की सरकार में पहली बार अहिल्या बाई होलकर के ऊपर एक सीएम लगातार टेलीविजन पर आ रहा है, जो अहिल्या बाई होलकर के नाम को नहीं जानते थे वो भी उसके नाम को जानते हैं। बच्चे उनसे प्रेरणा लेते हैं, बेटियां उनसे प्रेरणा लेती हैं, उनके जीवन को देखते हैं कि छोटी एक बालिका ने किस प्रकार से शासन करने का काम किया, किस प्रकार गांव में आते घटना होती, पीछे घटना हुई, शुक्रताल से आते 1900 की डेथ हुई, हम सब लोग यहाँ पर रहे, कंधे से कंधा मिलाकर दुख सुख में आपके साथ ही। इंटर कॉलेज की चर्चा प्रवेश पाल लगी, इंटर कॉलेज का प्रस्ताव, दो इंटर कॉलेज मेरे पास आए, एक मैं बिलासपुर में दिया, एक चांदपुर में दिया। मेरा बिलासपुर इतना बड़ा गाँव है, आसपास के 10 किलोमीटर के बच्चियां यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगी, आपको इंटर कॉलेज मिलने का हुआ, इंटर कॉलेज तैयार है, बहुत जल्द इसका हम शुभारंभ करेंगे। जोरी रोड की हालत कितनी खराब थी, मैं लगातार देख करके दूर होता था, कितनी खराब थी। मैं धन्यवाद करूँगा मुख्यमंत्री जी का, धन्यवाद करूँगा केशव मौर्य जी का कि जब यहाँ पर आए तो उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दे करके अपनी ये रोड, आपकी जोरी रोड यहाँ से लेकर भंडूरे तक, और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि भंडूरे से लेकर लास्ट तक जोरी तक ये सड़क आपकी स्वीकृत हो गई है, वो सड़क पर भी आपका काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। लेकिन आप सबकी ऊर्जा के कारण से, आपके उत्साह के कारण से लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे, जो भी मामला आया, जधेड़े की बेटी का बलात्कार होगा वो ध्यान होगा, तब ये बाईपास बना भी नहीं था, तब काम चला था, पूरे गांव के 13 गांव थे, तो 43 गांव थे, सब लोगों ने भरपूर यहाँ पर, जब तक उन लोगों पर रास्को नहीं लगी, वे बलात्कारी जेल नहीं चले गए, तब तक जाम नहीं हुआ, 3 दिन तक 4 दिन तक लगातार यहाँ पे एक बेटी के मान सम्मान के लिए लगातार यहाँ पे जाम लगने का काम हुआ, ये सब जानते हो, याद हो गया। मित्रों, जब बाईपास बनना था आपका, बाईपास बनने में डॉक्टर सुरेश सिंगल जी उससे विधायक थे, तो ये बाईपास का प्रस्ताव आया था, आप सब लोग भी, बहुत सारे लोग जमीन का अधिग्रहण हुआ, तब सरकार जमीन का अधिग्रहण का इतना पैसा नहीं देती थी, लेकिन आप सब लोगों के जमीन के अधिग्रहण का पैसा भी दिलवाने का काम उस समय किया। लेकिन आपको यह भी ध्यान होगा, जब एक पूर्व, हमसे पूर्व में एक मंत्री थे, नाम लूंगा तो बात खराब हो जाएगी, किस प्रकार से ट्रैक्टर घुमा करके जो कॉलोनी बनी आवास की, किस प्रकार से उनकी जमीन कुकड़े की, बिलासपुर की, श्रीनगर की, किस प्रकार से वहां के लोगों की जमीने कब्जा करके अपनी कॉलोनी बनाने का काम किया और कोड़ियों के दाम लोगों को देने का काम किया, उनका मुआवजा भी लोगों को नहीं मिला था, ये बात भी आपको भूलनी चाहिए। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और तत्कालीन सरकारों के अंदर किस प्रकार का अंतर है ये भी आप जानते हैं। आज आपका मुआवजा 4-4 गुना मुआवजा मिलता है, आज जो लाइन लगाए खड़े हैं कि हमारी जमीन अधिग्रहण कर लो, हमारी जमीन अधिग्रहण कर लो, ये मोदी की सरकार है, ये योगी की सरकार है कि किसानों के अधिग्रहण का 4 गुना मूल्य आपको मिल जाता है। भले ही आपकी वोट नहीं हो पर सारे मंच का आप सबका योगदान था, क्योंकि मुजफ्फर शहर के अंदर भी लगभग 25,000 वोट पाल समाज की है, यहाँ भी आपकी वोट है, भरपूर वोट देने का काम करते हो, आप सबका भरपूर आशीर्वाद देता है। हम 5 साल पालिका अध्यक्ष है,
2016 में पार्टी ने दोबारा मौका दिया, डॉक्टर संजीव आनंद जी का उसके अंदर विशेष योगदान था, हमको मौका दिया, भरपूर आशीर्वाद आपने दिया, एक वर्ष के लिए हमको विधायक बनने का मौका दिया, दोबारा चुनाव हुआ, छह के छह विधायक, एक विधायक छोड़ के भाग गया, अलग बात है, पार्टी से बेमाना कर गया, लेकिन छह के छह विधायक सारे जनपद में, सारे उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिम उत्तर में विशेष रूप से आप सबकी वोट है, भरपूर वोट आपने भाजपा पार्टी को दोबारा दिया, संजीव को 2014 में दिया, 17 में दोबारा वोट दिया और सारे विधायक जीत करके भेजे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। अरे पूरे धन्यवाद करो, जब बहुत मुश्किल चुनाव था, जब सारी पार्टी इकट्ठी होगी, जितने राजनीतिक दल थे सारे नरेंद्र मोदी को एक हराने के लिए इकट्ठा हो गए। मित्रों मैं बहुत आपका अभिनंदन वंदन करता हूँ कि इस विधानसभा से दोबारा भरपूर मतदान, भरपूर समर्थन, भरपूर योगदान देकर के 18,000 मतों से डॉक्टर संजीव बानियान को मुजफ्फर विधानसभा से जिताने का काम किया नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री। आपका ऋण उठा नहीं सकते, ये भाषणों से, बातों से और केवल जोरी रोड बनाने से और इंटर कॉलेज बनाने से ये ऋण नहीं उतर सकता। आपका ऋण आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए मोदी प्रधानमंत्री बने तो धारा 370 है, मोदी प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका, जापान, चाइना, जितने हिंदुस्तान में दुनिया के अंदर देश है सब जाकर के मोदी मोदी वंदे मातरम भारत माता की, जैसे क्या होता, कभी तुमने मनमोहन सिंह के समय देखा है, कभी नरसिंह राव के समय बात देखा, पूरी दुनिया के अंदर भारत की जय जयकार हो रही है, ये मोदी का चमत्कार है, ये होने का काम है। तो मोदी प्रधानमंत्री बने तो बनारस के अंदर इतना बड़ा जो हमारा काशी विश्वनाथ का मंदिर है आप जाके देखना कितना बड़ा काम हो रहा है, गंगा की शुद्धिकरण का काम हो रहा है, और अब तो और जब धारा 370 हटी तो वहां की महकुमा मुफ्ती ने कहा कि आपके हाथ में अगर 370 हटाओगे तो जो प्रदेश जल जाएगा, कश्मीर में आ जाएगी। मित्रों चूही का पत्ता भी नहीं हिला, एक चूही भी नहीं मरी, धारा 370 हटी, पूरी दुनिया के अंदर जय जयकार हुई। एक कहावत आपने सुनी होगी कि माड़े के जरूर सबकी भाभी, जोर से बोलो भाभी, जब कश्मीर में आतंकवादी हमारे नौजवानों को मारते थे, उनकी हत्याएं करते थे, तो हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने जाके घुटने टेकते थे, निन्याने का काम करते थे, भीख मांगते थे कि पाकिस्तान हमला कर रहा है, हमारी जान बचाओ। अरे मोदी ने कहा कि हमारे 29 नौजवानों को सोते हुए निहत्ते लोगों पर उनकी हत्या करने का काम, उनको शहीद करने का काम हुआ। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके एक बार नहीं दो दो बार उनके 400 आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया, और अमेरिका भारत के साथ खड़ा था, चाइना भारत के साथ खड़ा था, सारी दुनिया भर के देश में, चूंकि मोदी हत्या का धर्म हुआ। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, ये सरकार ही सरकार, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, बेटियों का सम्मान, किसानों का सम्मान, किसान सम्मान निधि, अनेक प्रकार की योजना देकर के आपको प्रोत्साहित करने का काम किया। बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, संजीव आनंद जी को आगामी कार्यक्रम में जाना है, 2022 का चुनाव है, योगी जैसा मुख्यमंत्री जो आपको मिला है, सारी ताकतें फिर इकट्ठा हो रही है, सारे राजनीतिक इकट्ठे हो रहे हैं मित्रों, केवल पाल समाज नहीं, जहाँ विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे 13 गांव है, उन 13 गांव का पाल समाज का कार्यक्रम यहाँ पे, संजीव आनंद जी, सपाल पाल जी, विजेंद्र पाल जी, गोपाल जी, समाज के सब लोग, महेंद्र पाल जी, सबने मिलकर एक शानदार कार्यक्रम, जिला पंचायत सदस्य, इन सब ने मिलकर हजारों की संख्या में बहुत शानदार टेक्नो के साथ, युवाओं ने उत्साह के साथ ये कार्यक्रम किया है। यहाँ पे इंटर कॉलेज हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, हमारे प्रयास से हुआ है, इस कारण हमारा प्रयास रहेगा कि इलिया भाई होलकर जी के नाम पर उस कॉलेज का नामकरण हो, ये जोली रोड है अभी तक जिसको बोलते हैं, उसका नामकरण भी इलिया भाई होलकर जी के नाम पर हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। आल समाज 70% भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, आगे भी करता रहेगा, ये हमारे अपने लोग हैं और हम हमेशा के सुख में दुख में परिवार की तरह इनके साथ हैं 24 घंटे, इनका पूरा आशीर्वाद हमारे साथ रहता है, इनका धन्यवाद। देखिए ये सब राष्ट्रभक्तों का कार्यक्रम है, जो राजनीतिक दल जिनकी जमीन सड़क गई है वो मोदी योगी पर विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां करने का काम करते हैं। आज जो लोग प्रश्न करते हैं क्या चुनाव फिर हिंदू मुस्लिम के आधार पर होगा, हमारा कहना ये है कि मोदी जी ने, योगी जी ने इतना विकास के कार्य किए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, ऐसा मिला के 100 करोड़ वैक्सीनेशन का काम हुआ है, इतना बड़ा काम होने के बावजूद भी आज लोग जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हम तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, और अगर कोई चुनाव होगा तो राष्ट्रवाद और आतंकवाद के ऊपर होगा, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, जो आतंकवाद को संरक्षण देने वाले लोग हैं
वे किसी और पार्टी को वोट देते, लेकिन ये चुनाव राष्ट्रवाद के ऊपर हुआ। राजभक्त पार्टियां, राजभक्त लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, ऐसा हमसे निवेदन भी है और हमको भरोसा है। कश्मीर में जो हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे वहाँ आतंकवादी? अमित शाह जी कहे जब वो कहा करती थी वहाँ की महबूबा ये कोई पत्ता भी नहीं हो सकता और लोगों के हाथ में बंदूकें आ जाएंगी, कश्मीर टूट जाएगा, कश्मीर खत्म हो जाएगा। उन्होंने देखा है कि धारा 370 हटी है, बहुत जल्दी कश्मीर समस्या का हल होगा और अमित शाह जी के नेतृत्व में ये सारा आतंकवाद जो आपको दिखता है, जो भी बिलबिला रहे, जो भी फड़फड़ा रहे, इन सबका खात्मा होगा और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगा। जो शेष लोग है ये भी भारत के अंदर शामिल होगा, आपकी आंखों के सामने होगा, आप देखते रहे। समाजवादी पार्टी लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हो रही है, क्या लगता है इस बार भाजपा को चोट लगेगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में? लोकसभा में भी नहीं रहते क्या शुरू हुआ, जो लोकसभा हुई उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, निश्चित ही देखते केवल भाजपा की सरकार बनेगी, आदरणीय योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। किसान आंदोलन का कितना असर पड़ेगा इस बार विधानसभा में? सब वोट भाजपा को दिए, किसान नाराज है काफी, कोई नाराज नहीं, सब पसंद है। हमारे कार्यकर्ता लोग आए हैं, अरे बड़े बड़े कुछ लोगों की डिमांड थी पाल समाज की और दो तीन मांग थी, एक तो अंडरपास नया पार्टी में आया है होते हैं, 21 करोड़ का अंडरपास एस्टिमेट बन चुका है, बहुत जल्दी ये पास हो जाएगा और मैं करवाऊंगा, जोली रोड आगे तक भी बनेगी और साथ के साथ एक आदरणीय कपिल देव जी की तरफ से आया है कि जोली रोड का नाम बदल कर लोकमाता अहिल्याबाई रोड कर दिया जाए और एक स्कूल है यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज बना है तो उनका स्कूल का नाम भी बदल कर लोगों की तरफ से आया कि लोकमाता अहिल्याबाई रोड कर रखा जाए और हम इस मांग का समर्थन करते हैं। आदरणीय मंत्री जी लखनऊ जाएंगे और लखनऊ से पास करवा के इनका दोनों का नामकरण किया जाए। ये जो 2022 की आज विधानसभा का चुनाव को लेकर ये आज पाल सम्मेलन होता है, शुरुआत हुई है? शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी, अब तो कारवा चल दिया है और इस समाज का 100% आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पहले भी मिला है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी पूरे समाज का। इस बार लोकदल का कहना है कि लोकदल का कहना है इस बार अब ज्यादा सीट निकालेंगे, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है भाजपा सरकार में, हम लोग किसानों के साथ है, क्या कहेंगे इसमें? हम कहीं विदेश से आ रहे भाई, हम तो किसान ही हैं, मेरे नाम थोड़ी सी जमीन है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं, छोटा सा किसान में, और जो यहाँ है ये सब किसान ही हैं, तो वो अपना काम करें, चुनाव है, चुनाव में सब अपनी बात कहेंगे, हमने अपनी बात की, उन्होंने अपनी बात की, जनता को निर्णय लेना है किसे सीट देगी किसे नहीं, कोई मैं अहंकार की बात नहीं करता, इनके आत्मनिर्णय। चलिए।